समय था 19 अक्टूबर वर्ष 2017। एस्ट्रोनॉमर्स ने खोज निकाला अंतरिक्ष से आया पहला मैसेंजर। ये मैसेंजर बहुत तेज गति से हमारे घर आया और अब ये वापस भी जा रहा है। हम बात कर रहे हैं इंटरस्टेलर स्पेस से आए हमारे मेहमान ओमुआमुआ के बारे में। अगर आप इंटरस्टेलर स्पेस का मतलब नहीं जानते तो इसको साधारण शब्दों में समझे तो दो सोलर सिस्टम्स के बीच में स्पेस की खाली जगह को हम इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। यहाँ मुख्य तौर पर प्लैनेट्स और उनके रॉक्स पाई जाती हैं, जो इतिहास में अपने सोलर सिस्टम से अलग हो गए थे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वहीं दूर इंटरस्टेलर स्पेस से आए ओमुआमुआ के बारे में, जिसे कई वैज्ञानिक एलियन स्पेसशिप भी कह रहे हैं। तो क्या है ओमुआमुआ और अभी तक हम इसके बारे में कितना कुछ जान पाए हैं, आइए जान लेते हैं इस वीडियो में। तो आप आराम से रिलैक्स माइंड करके इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो काफी मजेदार होने वाली है। पिछले साल 2017 में 19 अक्टूबर को हवाई में स्थित पैन स्टार्स टेलीस्कोप के ग्रुप ने एक ऐसा ऑब्जेक्ट खोजा जिसकी मूवमेंट वेरिएबल थी। दरअसल इसे रॉबर्ट वर्क नाम के कैनेडियन वैज्ञानिक ने सबसे पहले देखा था। ओमुआमुआ एक हवाई नाम है जिसका मतलब है दूर से आया पहला मैसेंजर, और क्योंकि ओमुआमुआ की कैरेक्टर इस नाम पे बहुत हद तक फिट बैठ रही थी, इसलिए इसका नाम ओमुआमुआ रख दिया गया। वैसे इसे वैज्ञानिक C-2017U1 के नाम से भी जानते हैं। जब इसे खोजा गया तब ये हमारे सोलर सिस्टम में ऊपर की ओर से अंदर की ओर आ रहा था, और फिर जब ये सूर्य के सबसे नजदीक पहुंचा तो सन की शॉट की वजह से ये वापस से एक ऐसे पाथ पे ट्रेवल करने लगा जो इसे फिर वापस से सोलर सिस्टम के बाहर ले जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि इस ऑब्जेक्ट को भले ही वैज्ञानिकों ने पिछले साल ही खोजा था, पर वास्तव में ओमुआमुआ 100 वर्षों से भी ज्यादा के समय से हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद है। कैरिन मिच, एक एस्ट्रोनॉमी स्पेशलिस्ट, ये बताती है कि ये ऑब्जेक्ट सन 1837 के आसपास हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ। तब इसकी दूरी करीबन 1000 AU यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होगी। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस मेजरमेंट करने की यूनिट होती है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सूर्य से पृथ्वी की दूरी के बराबर होती है, जो कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर के आसपास है। पर अगर ये इतने दिनों से हमारे सोलर सिस्टम में था तो वैज्ञानिकों को इसका पता पहले क्यों नहीं चला, आइए जान लेते हैं। एक्चुअली ये हमारे सोलर सिस्टम के उस भाग से था जहाँ सूर्य की रोशनी बहुत कम या फिर कहे तो न के बराबर पहुँच पाती है, तो इस वजह से इस पे लाइट की कोई किरण रिफ्लेक्ट होके हमारे टेलीस्कोप्स पे नहीं आ रही थी। यही वो कारण था जिससे हमारे वैज्ञानिक इसे पहले नहीं खोज पाए, और क्योंकि हाल में ये काफी नजदीक आया तो इसे वैज्ञानिकों ने पैन स्टार टेलीस्कोप ग्रुप की मदद से खोज निकाला। अब ये जान लेते हैं कि ओमुआमुआ फिलहाल कहाँ है। दरअसल जब ये सूर्य के सबसे नजदीक था तब उस समय इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेट हो रही थी, इस वजह से ये वापस एक ऐसे रास्ते पे निकल गया जो इसे हमारे सोलर सिस्टम के बाहर ले जाएगी। इसी साल 2 जनवरी को हबल टेलीस्कोप ने इसे आखिरी बार स्पॉट किया था, क्योंकि अब ये सूर्य से बहुत दूर होता जा रहा है, इस वजह से इससे आती रिफ्लेक्टेड लाइट और भी धुंधली होती जा रही है, जिससे इसे स्पॉट करना अब और भी मुश्किल हो गया है। हवाई के वैज्ञानिकों ने इस पे शोध किया और काफी कैलकुलेशंस की, जिससे उन्हें ये पता चल पाया कि ओमुआमुआ सन 2024 तक क्विपर बेल्ट तक पहुंच जाएगा, और इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि सन 2038 के आते आते ये वॉयजर्स स्पेसक्राफ्ट, जो इंसानी सभ्यता द्वारा भेजे गए अभी तक की सबसे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, उसको पीछे कर देगा, और फिर आखिरकार सन 2196 के आसपास ओमुआमुआ की हमसे दूरी हो जाएगी 1000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि ये हमारे सोलर सिस्टम को अलविदा कह देगा सन 2196 के आसपास। पर यहाँ विजन प्रोस्पेक्टिव की जरूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे ओट क्लाउड की दूरी 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, तो ये हमारे नजरिए पर डिपेंड करता है कि हम किसे हमारे सोलर सिस्टम का अंतिम छोर माने। ओट क्लाउड के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो जल्द ही बनाऊंगा, अभी के लिए बस आप इतना जान लें कि ये हमारे सोलर सिस्टम के अंतिम छोर होते हैं और इसकी दूरी हमसे तकरीबन 100,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो अगर हम इसे अपने सोलर सिस्टम का अंतिम छोर माने तो ओमुआमुआ को वहां तक पहुंचने में सदियों लगने वाले हैं। खैर, अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई इसका संक्षेप में यही मतलब निकलता है कि वैज्ञानिकों को ओमुआमुआ आखिरी बार जनवरी में ही दिखा था और अब वो इसके बारे में कुछ नहीं जानते। वे प्रिडिक्शंस कर रहे हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर और उन डेटास पे जो वैज्ञानिकों ने इससे इंटरेक्शन के दौरान कलेक्ट की थी। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके आकार और बनावट के बारे में। ओमुआमुआ दरअसल 2600 फीट यानी 800 मीटर लंबा और 260 फीट यानी तकरीबन 80 मीटर चौड़ा एस्टेरॉयड है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि ये कॉमेट नहीं एस्टेरॉयड है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी कोई ट्रेल नहीं जो आमतौर पे कॉमेट्स के पीछे उत्पन्न होती है।
जून में नेचर द्वारा प्रकाशित एक पेपर में ये बताया गया कि ओमुआमुआ की मूवमेंट वैसी बिल्कुल भी नहीं है जैसी इसकी होनी चाहिए। ये स्ट्रेंज था, इसकी मूवमेंट वास्तव में नॉन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे आधारित थी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण ही एकमात्र चीज नहीं थी जो ओमुआमुआ की पाथ को निर्देशित कर रही थी। इसकी बढ़ती एक्सेलरेशन के पीछे वैज्ञानिक काफी तथ्यों को जिम्मेवार बता रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि जब वैज्ञानिकों ने इसकी स्पीड में बढ़ोतरी पर शोध किया तो उन्हें ये पता लगा कि ये था तो एक एस्टेरॉइड पर वास्तव में ये किसी कॉमेट की कैरेक्टर्स शो कर रहा था। ये काफी अजीब था। आपको बता दें कि कॉमेट्स जब सूर्य के सबसे नजदीक आते हैं तब उनमें स्थित आइस लेयर्स पिघल जाती हैं, जिससे उनमें जमा सारी गैसेस स्पेस में मिल जाती है जो कॉमेट की स्पीड को पुश कर देती है। ये काफी कुछ ओमुआमुआ के केस जैसा ही था, पर ओमुआमुआ वास्तव में कोई कॉमेट नहीं बल्कि एस्टेरॉइड है जो इस इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट को बहुत ही रहस्यमय बना देती है। वैज्ञानिकों ने ये भी पता करने की कोशिश की कि शायद ओमुआमुआ से गैसेस निकल रही हो जिससे ये इस तरह का मोशन शो कर रहा है, पर आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि उन्हें गैसेस की कोई भी एविडेंस नहीं मिली दूर दूर तक। हालांकि इस ऑब्जर्वेशन में एक सबूत भी छिपा था। वो सबूत ये प्रूफ करता था कि ओमुआमुआ किसी दूसरे स्टार सिस्टम या इंटरस्टेलर स्पेस से आया था। आमतौर पे हमारे सोलर सिस्टम के कॉमेट्स में सीएन गैस पाई जाती है जो उनमें स्थित वाटर की वजह से बनती है, पर वास्तव में ओमुआमुआ के साथ ये केस नहीं था। सीएन गैस ना बनने की वजह से ये तो साफ था कि ओमुआमुआ में वाटर की कोई मात्रा नहीं है, जिससे ये भी साफ होता है कि ये हमारे सोलर सिस्टम का ऑब्जेक्ट नहीं है। ओमुआमुआ की मोशन भले ही कॉमेट की तरह हो, पर यह किसी टिपिकल कॉमेट की तरह रिफ्लेक्शन शो नहीं कर पा रहा था। आमतौर पे कॉमेट्स 4% रिफ्लेक्टेंस शो करते हैं, बजाय इसके ओमुआमुआ 10% रिफ्लेक्टेंस शो कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि ये कोई टिपिकल कॉमेट तो बिल्कुल भी नहीं था। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, आखिर ओमुआमुआ आया कहां से? इतने मिस्टीरियस कैरेक्टर्स रखने वाला ये मेहमान आखिर किधर से आया? ओमुआमुआ किसी दूसरे स्टार सिस्टम में बना था, पर कहां? अगर हम टाइम को रिवाइंड कर सकें तो हमें ये पता चल सकता है। वैज्ञानिकों ने भी कंप्यूटर सिमुलेशंस की मदद से कुछ ऐसा ही किया। जर्मनी में स्थित मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी में एस्ट्रोनॉमर्स ने ओमुआमुआ की उस पाथ की कैलकुलेशंस की जहां से ये हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ था। लोकेशन पता चलते ही एस्ट्रोनॉमर्स ने गाया सैटेलाइट की पास्ट रिकॉर्ड्स की मदद से ओमुआमुआ की पाथ में आ रहे लगभग 7 मिलियन तारों को स्टडी किया। इतने तारों को स्टडी करने के बाद उन्हें 4 तारे ऐसे मिले जिनके प्लैनेट सिस्टम से संभवतः ओमुआमुआ आया होगा। ओमुआमुआ हमारा मेहमान था, और भले ही ये इंटरस्टेलर स्पेस में वापस जा रहा हो, फिर भी ये हमें बताता चला गया कि वास्तव में ब्रह्मांड बहुत ही शानदार और अनोखा है। ये जहाँ से भी आया था वहाँ की प्रॉपर्टीज हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल ही अलग होगी, और कोई नहीं जानता कि ओमुआमुआ के अंदर क्या है। हम अभी तक इतने उन्नत नहीं हुए हैं कि हम उसके सैंपल्स पर रिसर्च कर सकें, पर जिस तेजी से इंसानियत वृद्धि की ओर अग्रसर है ये दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। खैर, ओमुआमुआ ने ये तो साफ कर दिया कि सोलर सिस्टम के बाहर की दुनिया बहुत ही अलग है। इसके लिए हमें ओमुआमुआ का शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और जियोग्राफी से रिलेटेड ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस मिलती रहेंगी। आपके ऐसा करने से हमें मेहनत करने की मोटिवेशन मिलती रहती है।